बीजेपी गुजरात की सत्ता में 27 साल से काबिज है। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री मोदी और 25 साल मांग रहे हैं तो यह सवाल जरूरी हो जाता है कि बीते 25 साल में गुजरात को क्या मिला। बीते 25 साल जिनमें खुद प्रधानमंत्री मोदी के 13 साल का कार्यकाल है, उसमें गुजरात का भविष्य कैसा और कितना तय हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान आ गुजरात में बनावी छे का नारा एक ऐसी रणनीति के तहत दिया जो मैं भी चौकीदार वाले नारे की तरह जन भागीदारी से जुड़ गया। नारे का मतलब है, ये गुजरात मैंने बनाया, आ गुजरात मैं बनावी छे। और इस नारे के पीछे पीएम मोदी का सीधा उद्देश्य है, हर गुजराती वोटर को गुजरात विकास यात्रा की भागीदारी से जोड़ना, छोटे कार्यकर्ताओं को अलग से बुलाना, उसके साथ में आत्मीयता का भाव रखना, किसी भी के घर पे जाके मिल लेना, आम कार्यकर्ता से संपर्क रखना, नाम से बुलाना एक बड़ी इतनी अच्छी चीज़ है। जीवन में आप किसी को नाम से अगर बुलाते हो तो उसका प्रभाव ही अलग होता है। मुझे हमेशा प्रेम जी जैसे दूर से बुला के प्रेम जी करके, एग्रीकल्चर महोत्सव हुआ नवसारी में, मंच से उतर रहे थे, मेरे ऊपर निगाह पड़ गई, दूर से बुलाए, अरे प्रेम जी कहाँ हो आप, इधर आओ। तो इतना मतलब कितने लोगों को नाम से बुला सकते हैं गुजरात के हर शहर हर गांव में, ये समझना बिल्कुल असंभव है लोगों के लिए कि इतने लोगों को व्यक्तिगत रूप से कैसे पहचान सकते हैं, कैसे नाम से बुला सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को जब मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात मिला था तब उसके कई बड़े हिस्से भूकंप से तबाह थे। मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी ने कच्छ का पुनर्वास ऐसे किया कि उसकी काया पलट हो गई और यहीं से गुजरात का वो विकास मॉडल उत्पन्न हुआ जिसकी गूंज आज भी भारतीय राजनीति में सुनाई देती है। नरेंद्र मोदी गुजरात के लिए एक चमत्कार से कम नहीं है। भूकंप जैसी महात्रासदी हुई 2001 में और वो त्रासदी ऐसी थी कि अभी हमें कल्पना भी करें तो थर्रा उठते हैं कि शायद नरेंद्र मोदी अगर उसी वक्त गुजरात पे नहीं आए होते तो ना जाने कितना बड़ा, मतलब वो हादसा हमें सालों तक भुगतना पड़ता होता। गांव के अंदर एक ही फीडर लाइन होती थी पावर ले जाने के लिए, जो एग्रीकल्चरल फीडर लाइन के रूप में देखी जाती थी, उसमें से ही डोमेस्टिक पावर गांव को मिलता था, ठीक है। और एग्रीकल्चर पावर का जो यूज है वो डोमेस्टिक पावर से कई गुना ज्यादा है, तो एक शॉर्टेज तो थी पावर की। तो जो पावर कट जो एग्रीकल्चरल लाइन को लगता था वो ऑटोमेटिकली डोमेस्टिक वालों को भी लागू पड़ जाता था। तो इसका उपाय क्या था, इसका उपाय उन्होंने ढूंढ निकाला, वो था कि हर एक गांव में दो फीडर लाइन हो, एक एग्रीकल्चर के लिए और एक डोमेस्टिक के लिए। नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते साल 2005-2006 में गुजरात में रिकॉर्ड ग्रोथ रेट दर्ज हुई थी जो 15% के करीब थी। इस समय तीन बेहतरीन ग्रोथ रेट वाले राज्यों पर ध्यान दें तो महाराष्ट्र की ग्रोथ रेट 10.75%, तमिलनाडु की 10.27% और बिहार की 11.42% थी। कहा जाता है कि बिहार की ग्रोथ रेट बेहद निचले स्तर पर थी, इसलिए 11.42% की ग्रोथ रेट स्वाभाविक थी, जबकि महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्य लंबे समय से विकसित राज्यों में गिने जाते रहते थे। मोदी के मुख्यमंत्री काल में अपनाई गई आर्थिक नीति को मोदीनॉमिक्स के नाम से पुकारा जाने लगा। वो उनकी ऐसी एक सोच थी कि क्या नया कर सके, कच को खड़ा करने में उनका बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, वहां पे कैसी एक पूरी ब्यूरोक्रेट्स की जो अधिकारियों की जो एक टीम थी उनको खड़ा वहां पे कर दिए थे और वहां पे एक टीम तैनात कर दी थी। तो एक ऐसी उनकी वो काफी उनका विजन जो था वो आगे जाके वो अब पता चल रहा था कि ये जो उनकी सोच है, ये जो उनकी नई तौर की जो गुजरात को ऊपर लाने की एक बात है वो तब से चल रही थी। तो मुझे लग रहा है कि वो असाध्य नेता 2001, 2 या 3 से नहीं, उनमें एक ऐसी एम्बिशन था
कि कुछ अपने राज्य के लिए कुछ अपने देश के लिए किया जाए। नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते 2000 से 2012 तक के समय में गुजरात राज्य के अंदर 3000 रूरल रोज प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए। 2004-05 से 2013-14 के बीच गुजरात में बिजली प्रत्येक व्यक्ति की खपत से 41% अधिक हुई। 2000 से 2010 के बीच GSDP 9.8% थी, जबकि तब देश के लिए ये आंकड़ा 7.7% था। मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तरी गुजरात के लोगों तक पानी पहुंचाना था। इसके लिए सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई और नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में बड़ी चुनौतियां उनके सामने रहीं। आज भी इन चुनौतियों का जिक्र वो करना नहीं भूलते। पंडित नेहरू ये सरदार सरोवर डेम नो शिलान्यास करो तो अने आ नरेंद्र मोदी आई ने नो उद्घाटन करू तो मैं विचार करो केटला रुपया ने केटलो टाइम बर्बाद थो अने केवा केवा लोको आ नर्मदा ने आड़े आया था तमे जोयो छे गई काले छापा में एक फोटो छपाणो तो एक नेता कांग्रेस पार्टी ना क्या मोड़े तमारी पासे वोट मांगवा आवे त्यारे पूछो तमे पूछो ले भाईओ आ कांग्रेस वाला ने पूछो एक सवाल तो तुम पूछो। ग्लोबल ट्रस्ट हैज गेन्ड इट्स मोमेंटम। वाइब्रेंट गुजरात समिट के साथ गुजरात में बड़े पैमाने पर निवेश आना शुरू हुआ और धीरे धीरे बिजली, सड़क, पानी की गुणवत्ता में सुधार और सरप्लस के साथ गुजरात एक विकास मॉडल बनता चला गया। प्रधानमंत्री मोदी मौजूदा चुनावों में बीते दिनों की उन्हीं तस्वीरों को दिखाकर नए दौर के संकल्पों को दोहरा रहे हैं। हालांकि चुनौतियां भी नए स्तर पर कम नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं आप 18 घंटे काम करते हैं, 18 के 18 घंटे आप बस यही सोचते हैं कि मैं किस तरह से केजरीवाल को रोकूं काम करने से, किस तरह से केजरीवाल के मंत्रियों को गिरफ्तार करूं, किस तरह से केजरीवाल पे कीचड़ फेंकूं। मेरा आपसे निवेदन है 18 में से 2 घंटे भी अगर आप देश के लिए काम कर लें तो देश में महंगाई और बेरोजगारी जिससे जनता त्रस्त है उससे थोड़े से लोगों को निजात मिल जाएगी। इतना नेगेटिव मत बनिए, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए जनता के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी के आगामी 25 साल के भविष्य का विजन क्या है इसको लेकर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है, लेकिन जैसे जैसे मतदान का समय नजदीक आ रहा है लड़ाई के कई और रंग दिखना बाकी है।